मैंने समुद्र का सीन देखा, उसमें मुझे एक मछली दिखाई दी। मछली पे मुझे एक दृष्टांत याद आ गया। यदि आप इजाजत दे तो मैं सुनाऊं। एक बार एक मछुआरा था जो मछली पकड़कर अपना जीवन यापन करता था। हमेशा सपने देखता था, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। तो एक बार वो मछली पकड़कर समुद्र के किनारे से लौट रहा था। सोचते सोचते चला आ रहा था कि एक दिन मेरे पास भी ढेर सारे पैसे होंगे, मैं ये करूंगा, मैं कार खरीदूंगा, मैं जीप खरीदूंगा, मैं सारी दुनिया खरीद लूंगा। पता नहीं क्या क्या सपने मन में बुन रहा था। इतने में उसके पैर में कुछ टकराया तो उसने उसे उठाकर देखा, एक पोटली थी। और उस पोटली को उसने खोल के देखा तो उसमें उसे लगा कि ये कंकड़ है, कंकड़ पत्थर है। तो वो हाथ में लेके उसे चलने लगा और फिर सोच रहा था कि जब मेरे पास ढेर सारी मछलियां हो जाएंगी, मैं उसे बेचकर खूब सारा जो है पैसा कमाऊंगा। ऐसे वो सोच रहा था और इतने में उसके मन में आया कि जब मेरे पास पैसा हो जाएगा तो मैं जमीन खरीदूंगा। तो समुद्र की तरफ देखते ही बोल रहा है, मेरी जमीन इतनी बड़ी होगी। तो फिर उसने जो उसके पास एक हाथ में पोटली थी, उसी पोटली में से एक कंकड़ निकाला और उसने अपनी जमीन को पक्का करने के लिए कि मेरी जमीन इतनी दूर तक की होगी, तो उसने उसी में से एक कंकड़ निकाल कर और समुद्र में खूब दूर तक फेंका और बोला, हाँ मेरी जमीन यहाँ तक की रहेगी। और उसके बाद फिर बोला कि और मैं उस पर अपना घर बनवाऊंगा, फिर मेरा घर इतने ऊंचाई तक का रहेगा। जैसे कि बॉम्बे में बहुत सारे लोगों के घर खूब ऊंचे ऊंचे होते हैं, 30 महला 40 महला ऐसे। तो उसने बोला, मेरा घर इतना ऊंचा रहेगा। ऐसे करके उसने फिर एक कंकड़ उसमें से निकाला और उसको खूब ऊंचाई तक उछाला और हाँ इतने ऊंचा तक मेरा घर रहेगा। फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि उस घर में मेरे कितने सारे नौकर चाकर रहेंगे, 5 नौकर रहेंगे। और ऐसे करके वो 5 कंकड़ उछाला, उसमें समुद्र में फेंक दिया। मैं कार खरीदूंगा। और फिर उसने कार खरीदने के लिए फिर उसने एक कंकड़ निकाल के फेंका और बोला कि मेरी कार यहाँ खड़ी रहेगी। ऐसे अब वो ये सब कल्पना करता हुआ चला जा रहा था। और इतने में फिर उसने कहा कि जब मैं गेट पे पहुंचूंगा तो गार्ड से गेट खोलेगा और अगर वो जरा सा भी देर लगा दिया खोलने के लिए तो मैं जल्दी से कार से उतरकर और उसको खूब डांटूंगा, तुम इतनी देर क्यों लगा दिए गेट खोलने में, तुम्हें पहले से अलर्ट रहना चाहिए कि मालिक आने वाले हैं, क्या समझते हो तुम। ऐसे तो जब उसने इतना तेज से डांटा तो वो किसी से टकरा गया इतनी देर में और उसकी तंत्रा टूटी जो वो सपने देख रहा था। तो किसी ने उससे बोला, क्या कर रहे हो तुम, देख के नहीं चलते हो, और ये तुम्हारे हाथ में क्या है। इतने में जो कि सूरज ढल रहा था और सूरज की किरणें उसके हाथ में पड़े उन कंकड़ पे पड़ी तो बहुत तेज से उसमें चमक उठा। तो जो व्यक्ति उससे टकराया था उसने बोला, अरे ये हीरा तुम्हें कहाँ से मिला। तो बोला, हाँ ये हीरा है। ओ, और तब तक उसके हाथ में जो पोटली थी उसमें केवल और केवल एक हीरा बचा था। उसने समझा कि ये कंकड़ है। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे जीवन में समय रूपी मूल्यवान हीरा हमारे पास है, पर हम समझ नहीं पाते हैं और अपने समय को गंवाते चले जाते हैं। और अंत में फिर जब हमारे पास समय की बहुत कमी रह जाती है तब हमें लगता है कि अरे हमने तो सब कुछ गंवा दिया। तो हमारे पास मूल्यवान समय है, हमारे हाथों में अनंत शक्तियां हैं और हम अपनी शक्तियों को इधर उधर गंवाने के बजाय सही दिशा में लगाएं और सार्थक करें। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये स्टोरी? आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर।